नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चले करते हैं खबरों की शुरुआत राजधानी भोपाल से। भोपाल में महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी महिलाओं को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए 275 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। वही कार्यक्रम में महिलाओं का उत्साह भी देखने को मिला है। महिला उद्यमी सम्मेलन में मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्राइजेस फिक्की सहित कई महिला उद्यमी शामिल हुई हैं, जहां उन्होंने एक और कार्यक्रम की सराहना की तो वहीं उन्होंने सीएम से सहायता की भी अपील की है। महिला उद्यमियों का कहना है कि कुछ महिलाएं छोटे व्यापार संचालित कर रही हैं, जिससे कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। उनकी अगर सरकार सहायता करेगी तो कहीं ना कहीं इससे महिलाओं को सशक्त होने और आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। ऐसे ही कुछ उद्यमी महिलाओं से बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता शबाना बानो ने। मध्य प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मोहन सरकार लगातार काम कर रही है। आज महिला उद्यमियों का कार्यक्रम था, सम्मेलन था, जिसमें बहुत सारी महिलाओं को बुलाया गया था। आज मुख्यमंत्री ने काम किया, क्या क्या मुख्यमंत्री ने कहा जिससे आप प्रभावित? माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई, अहिल्या देवी जी से शुरुआत करी और उनके उद्यमशीलता के ऊपर बताया हमें, और हमें उत्साहित भी किया, प्रोत्साहित भी किया कि हम इसी तरह से अपना काम आगे करते रहें। मुख्यमंत्री, आप कौन से क्षेत्र में काम कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं फिलहाल? मेरी एक छोटी सी इंडस्ट्री है, उसी को मैं आगे कर रही हूँ और इनके प्रोत्साहन से मेरा वो अच्छा चल रहा है। ने आप लोगों को कहा मंच से कि लगातार इसी तरीके की मेहनत करते रहिए, भविष्य में आप मुख्यमंत्री बन जाएंगी, गृह मंत्री बन जाएंगी, ये बातें सुनकर आपको बहुत प्रोत्साहन मिला कि ये हाँ हम आगे कर सकते हैं, कर ही रहे हैं और सरकार की योजनाओं का फायदा उठा उठा के हम बिल्कुल बन सकते हैं। अगर मोहन सरकार को 10 में से नंबर देना तो आप कितना? 8। मोहन सरकार को 8 नंबर देंगे, क्यों 8, 10 में से 10 क्यों नहीं? थोड़ी सी कमियां तो होती हैं, नंबर देने का इन्होंने फैसला किया। हम और भी महिलाओं से बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से आई हुई दीदी? क्या काम करती हैं आप? हमारी कस्टमाइज मिल है, कस्टम मिल, उसमें गवर्नमेंट हमें धान प्रोवाइड करती है, उसको हम प्राइस बना के उनको फिर से गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। क्षेत्र में पुरुष आगे थे, लेकिन अब सरकार महिलाओं को इतना प्रोत्साहित कर रही है, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, तो कहीं आपको नजर आ रहा है कि मोहन सरकार को अगर 10 में से कितने नंबर देना? आई थिंक 10 out of 10 देना चाहिए। तो ऐसा क्यों सोच रही है कि मोहन सरकार को 10 में से 10 नंबर देना चाहिए? आप लोगों के लिए उन्होंने और क्या काम किया? जिस क्षेत्र में आप काम कर रही है उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए और मुख्यमंत्री ने कुछ ऐलान किया? इससे पहले भी अपने यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, और हमारा जब हमने स्टार्टअप चालू किया था तब हमें यही सब सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कराई गई थी उनके द्वारा। मध्य प्रदेश में और कौन कौन से सेक्टर ऐसे जहाँ पे महिलाएं एकदम सेफ है, उन्हें आगे आना चाहिए? आई थिंक कपड़ा व्यापार बहुत अच्छा है, सेफ है। जो महिला उद्यमी कार्यक्रम में शामिल होने आई थी उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार को महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करने चाहिए और ऐसे ही कार्यक्रम और करने चाहिए जिससे जो छोटे इलाके में महिलाएं रहती है वो प्रोत्साहित हो, जागरूक हो और उनके माध्यम से वो नए नए शोध करती रहे। कैमरामैन हरिओम के साथ शबाना, अनादि टीवी भोपाल।